प्रणाम करिए स्वीकार, क्योंकि आप देख रहे हैं द लॉलीपॉप। दोस्तों, क्या आप भी आजकल अपने घर के छत पर अक्सर देख रहे हैं पक्षियों को? क्या रोज कोई पक्षी आके बैठ रहा है आपके घर की मुंडेरों पे? तो हो जाइए सावधान, क्योंकि जिसे आप पक्षी समझ रहे हैं वो हो सकता है सरकार या फिर किसी पड़ोसी देश का भेजा ड्रोन। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे हमारे पड़ोसी देश हम पर नजर रखने के लिए भेज रहे हैं ऐसे ड्रोन जो देखने में हूबहू पक्षियों जैसा दिखता है। इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें, क्योंकि ये वीडियो होने वाली है बेहद खास। दोस्तों, जासूसी के लिए पक्षियों के इस्तेमाल के बारे में तो सुना ही होगा आपने, लेकिन पक्षियों की तरह दिखने वाले ड्रोन से जासूसी करने का मामला बिल्कुल ही नया और अनोखा है। पर क्या आप सोच सकते हैं कि इस तरीके से भारत पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है? ये बात तो सही है कि हर साल लाखों की संख्या में चीन की साइड से भारत में माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, जो हिंदुस्तान के कई शहरों और इलाकों में करीब 5 महीने तक रहते हैं। अगर इन पक्षियों के बीच चीनी ड्रोन है तो मतलब ये कि चीन के पास वो सारी सूचनाएं पहुँच सकती है जो देश के लिए खतरा साबित हो सकता है। दरअसल ड्रोन आम पक्षी की तरह दिखता है, जो पक्षियों के झुंड में शामिल होकर भारत आ सकता है और अलग अलग इलाके में फैल सकता है। पक्षियों की तरह दिखने वाला ड्रोन का रंग पक्षियों की तरह है, कोई चील की तरह दिखता है तो कोई कबूतर की तरह। मतलब ये कि इसे किसी भी पक्षी का रूप दिया जा सकता है। ये एक अल्ट्रा मॉडर्न ड्रोन है जिसका इस्तेमाल दुश्मन के इलाकों पर निगरानी रखने के लिए किया जा सकता है। ये असली पक्षी की तरह ही हवा में उड़ता है, गोता लगा सकता है और पंख भी फड़फड़ा सकता है। ये तस्वीरें ले सकता है, हाई डेफिनेशन वीडियो बना सकता है और आसपास की आवाजों को रिकॉर्ड भी कर सकता है। इतना ही नहीं, ये लगातार वीडियो और ऑडियो को चीन की खुफिया एजेंसी को भेजने में सक्षम है। सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस ड्रोन को दुनिया का कोई भी रडार पकड़ नहीं सकता है। आंखों के सामने से गुजर जाए तो भी इस पर किसी को शक नहीं होगा। सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा है कि इसके जरिए चीन न सिर्फ बॉर्डर पर निगरानी रखता है, बल्कि देश के कई शहरों और ठिकानों की जासूसी कर रहा है। दरअसल ये पक्षी झुंड बनाकर हिमालय को पार करते हुए हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में फैल जाती हैं। बताया जा रहा है कि पक्षियों के इन्हीं झुंड के साथ चीन अपने ड्रोन को भेज रहा है। दावा ये भी है कि इस खुलासे के बाद से हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ गई है और इस खतरे से निपटने के लिए स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। इससे निपटने के लिए DRDO ने एक उच्च क्वालिटी का ड्रोन विकसित किया है। इस ड्रोन का नाम भारत रखा गया है। पूर्वी लद्दाख के वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के ऊंचाई वाले क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों में सटीक निगरानी रखने के लिए भारत नाम का अपना स्वदेशी ड्रोन बनाया गया है और भारत ड्रोन को इंडियन आर्मी को सौंप दिया गया है। ये ड्रोन दुश्मनों का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम यानी कि AI से लैस है और ऑटोमेटिक कार्रवाई कर सकता है। ये ड्रोन अत्यधिक ठंडे मौसम के तापमान में भी काम करने में सक्षम बनाया गया है। इस ड्रोन की सबसे खास बात तो ये है कि अपने मिशन के दौरान ये ड्रोन रियल टाइम का वीडियो प्रसारित करता है। रात के अंधेरे में भी ये दिन के जैसा काम करता है। घने जंगल व दुर्गम क्षेत्रों में छिपे दुश्मनों को आसानी से पता लगाकर उसका वीडियो बनाने में सक्षम है। इसकी एक खासियत ये भी है दोस्तों कि ये एक छोटा होने के बावजूद बेहद ताकतवर ड्रोन है, जो किसी भी स्थान की निगरानी करते वक्त बेहद सटीक जानकारी देता है। एडवांस रिलीज टेक्नोलॉजी के साथ इसकी यूनिबॉडी बायोमिमेटिक डिजाइन से सर्वोच्च स्तर की निगरानी होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस भारत ड्रोन दोस्तों और दुश्मनों में आसानी से अंतर कर लेता है और इसी के अनुकूल एक्शन भी लेता है। समाचार एजेंसी के रक्षा सूत्रों के अनुसार भारतीय सेना को पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चल रहे विवाद से सटीक निगरानी के लिए ड्रोन की आवश्यकता है। इस आवश्यकता के लिए DRDO ने सेना को भारत ड्रोन प्रदान किया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और क्या आपने इससे पहले ऐसे ड्रोन देखे हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।